Hello everyone I'm Saket Bhajpayee, co-founder Prayas Physics Classes Dehradun Welcome students let's have a look at this beautiful problem the question says four point masses each of mass small m are placed at the corners of a square abcd of side l the moment of inertia of this system about an axis passing through a and parallel to bd is dash तो देखिए बच्चों हमारे को कहा गया है कि यहाँ पर चार पॉइंट मासेस हैं और सबका मास क्या है एम है और वो कहां पे एट ए बी सी एंड डी ठीक है A, B, D. अब हमारे को बताना है मोमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एन एक्सिस जो कि किससे पास कर रही है थ्रू पॉइंट ए और जो कि किसके पैरल हो इस डायगनल बी डी के पैरल हो और राइट right? तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग समझ सकते हैं कि अगर मैं बी और डी को ज्वाइन करता हूं ना तो यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये एंगल कितना है 45 डिग्री है और ये जो एक्सिस है वो बीडी के पैरल है तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये एंगल भी कितना है 45 डिग्री है क्लियर है ये बात अब देखिए बच्चों हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वेर ठीक है तो चलिए इसका हम लोग यूज करते हैं अब देखिए बच्चों यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो पार्टिकल एट ए है वो तो बिल्कुल एक्सिस पर ही है तो ए वाले पार्टिकल की वजह से है ना हम लोग समझ पा रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो आएगा ठीक है अब एक काम करते हैं बच्चों हम लोग ए और सी को ज्वाइन कर देते हैं ठीक है तो अगर ए और सी को ज्वाइन करेंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि ये एंगल भी क्या है फोर्टी है ठीक है और यहां पर अपने को स्क्वायर का साइड लेंथ कितना दे रखा है एल दे रखा है तो हम लोग जानते हैं कि जो डायग्नल है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी लेंथ हो जाएगी रूट टू एल क्लियर ही बात तो इसका मतलब ए और सी के बीच की जो दूरी है है ना वो कितनी है ए सी कितना है रूट टू एल है राइट right? इसी तरीके से बच्चों अगर मैं डी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने की कोशिश करूं इस एक्सिस के ऊपर और बी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करने कर रही हूं है ना यहां पर इस एक्सिस के ऊपर तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा वो डायग्नल का आधा हो जाएगा मतलब कि रूट टू एल का आधा दैट इज एल बाय रूट टू तो यहां से हमारे को समझ में आ रहा है कि जो पार्टिकल बी और पार्टिकल डी की दूरी है एक्सेस से वो कितनी है एल बाय रूट टू और जो पार्टिकल सी है उसकी दूरी एक्सेस से कितनी है रूट टू एल ऑल राइट तो अब देखिए बच्चों हम लोग क्लियरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं तो ए वाले की वजह से तो हो जाएगा जीरो प्लस बी वाले की वजह से हो जाएगा कितना एम इन टू का स्क्वायर सी वाले की वजह से हो जाएगा एम इन टू रूट टू एल का स्क्वायर और d वाले की वजह से हो जाएगा m इन टू एल बाय रूट टू का स्क्वायर तो देखिए बच्चों यहां पर हमारे पास आ जाएगा एम एल स्क्स एम एल तो हो गया एम एल स्क्वायर और एम एल प्लस टू एम एल स्क्वायर मतलब हमारा आंसर हो जाएगा थ्री एम एल स्क् बात तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है तो इसी के साथ बच्चों हमारे इस सवाल का सॉल्यूशन पूरी तरीके से खत्म होता है आई होप कि आपको यह सॉल्यूशन अच्छे समझ में आया है केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी आई वेल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बाय बाय